तो दोस्तों फाइनली चाइना के अंदर लॉन्च हो चुका है रियलमी X2, जो एक बहुत ही गजब की प्राइस रेंज में यहां पर ये डिवाइस निकल कर आया है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं कंपेयर करके बताने वाला हूं रेडमी नोट 8 प्रो और रियलमी X2 को, क्योंकि ये दोनों ही डिवाइस एक दूसरे को बहुत ही कड़ी टक्कर देने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आपने इस वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। अगर दोस्तों सबसे पहले बात की जाए इन दोनों ही डिवाइसों के डिस्प्ले के बारे में, तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर रियलमी X2 की। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलती है 6.4 इंच की सुपर एमोलेड डिस्प्ले, जो आती है इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर में। साथ ही यहाँ पर आपको वाटर ड्रॉप नोच देखने को मिल जाती है। साथ ही अगर बात की जाए बैक पैनल की, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है ग्लास का बॉडी और साथ ही आपको देखने मिलता है क्वाड कैमरे का सेटअप। और दोस्तों अगर बात की जाए रेडमी नोट 8 प्रो के बारे में, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलती है 6.53 इंच की डिस्प्ले, जो एक कलर IPS LCD डिस्प्ले है, जो आती है वाटर ड्रॉप नोच के साथ में। साथ ही दोस्तों अगर बात की जाए इसके बैक पैनल की, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोडक्शन। साथ ही आपको देखने को मिलता है क्वाड कैमरे का सेटअप, साथ ही फिंगरप्रिंट सेंसर। अगर दोस्तों बात की जाए इसके बाद में इनके कैमरा सेटअप के बारे में, तो दोस्तों जो रियलमी X2 है इसमें आपको देखने को मिलता है क्वाड कैमरे का सेटअप, जिसका जो प्राइमरी सेंसर है वो है यहाँ पर 64 MP का। साथ ही आपको 8 MP का अल्ट्रा वाइड सेंसर, 2 MP का मैक्रो और 2 MP का डेप्थ सेंसर देखने को मिल जाता है। साथ ही अगर बात की जाए इसके सेल्फी कैमरा की, तो यहाँ पर आपको 32 MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है, जो आता है स्क्रीन फ्लैश के साथ में। अगर बात की जाए रेडमी नोट 8 प्रो के कैमरा सेटअप के बारे में, तो यहाँ पर भी आपको देखने को मिलता है बैक में क्वाड कैमरे का सेटअप, जिसका प्राइमरी सेंसर है 64 MP का। साथ ही आपको 8 MP का अल्ट्रा वाइड सेंसर और 2 MP का मैक्रो और 2 MP का डेप्थ सेंसर देखने को मिल जाता है। साथ ही अगर बात की जाए यहाँ पर सेल्फी कैमरा की, तो यहाँ पर आपको केवल 20 MP का ही सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है। अगर दोस्तों इसके बाद में बात की जाए इनके मेन चीज चिपसेट के बारे में, जाने के प्रोसेसर के बारे में, तो दोस्तों जो रियलमी X2 है ये आता है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 730G के साथ में, जो 2.2 GHz पर क्लोक्ड है। साथ ही ये ओक्टा कोर प्रोसेसर है। साथ ही दोस्तों ये आता है एड्रीनो 618 GPU के साथ में। अगर बात की जाए रेडमी नोट 8 प्रो की, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है मीडियाटेक हीलियो G90T, जो 2.05 GHz पर क्लोक्ड है। साथ ही ये ओक्टा कोर प्रोसेसर है। साथ ही यहाँ पर आपको देखने को मिलता है G76 GPU। अगर दोस्तों इसके बाद में बात की जाए इनके ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो आपको रियलमी X2 में देखने को मिलता है कलर OS 6.0, जो वेल्ड है एंड्रॉयड पाई 9.0 पर, जबकि दोस्तों रेडमी नोट 8 प्रो में आपको देखने को मिलता है MIUI 10, जो वेल्ड है एंड्रॉयड पाई 9.0 पर। अगर दोस्तों इसके बाद में बात की जाए इनके बैटरी की, तो जो रियलमी X2 है यहाँ पर आपको देखने को मिलती है 4000 mAh की बैटरी, जो आती है वूक फ्लैश चार्ज 4.2 के साथ में, और यानी कि यहाँ पर आपको 30 वाट की फास्ट चार्जिंग देखने को मिल जाती है। साथ ही आपको देखने को मिलता है यहाँ पर USB Type-C, 3.5 mm ऑडियो जैक, ब्लूटूथ और जो अन्य सेंसर्स हैं। जबकि दोस्तों बात की जाए रेडमी नोट 8 प्रो की, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलती है 4500 mAh की बैटरी, जो आती है 18 वाट की फास्ट चार्जिंग के साथ में। साथ ही यहाँ पर आपको USB Type-C, 3.5 mm ऑडियो जैक और IR ब्लास्टर देखने को मिल जाता है। अगर दोस्तों बात की जाए इसके बाद में इनके स्टार्टिंग वेरिएंट की, तो यहाँ पर जो रियलमी X2 है यहाँ पर आपको देखने को मिलता है 4GB रैम और 64GB रोम से स्टार्टिंग वेरिएंट। साथ ही यहाँ पर आपको माइक्रो SD कार्ड का स्लॉट देखने मिल जाता है 256GB तक। जबकि दोस्तों जो रेडमी नोट 8 प्रो है ये आता है 6GB रैम और 64GB रोम के स्टार्टिंग वेरिएंट के साथ में। साथ ही यहाँ पर आपको हाइब्रिड सिम सॉल्यूशन देखने मिलता है, जिसमें आप 256GB तक का माइक्रो SD कार्ड यूज कर सकते हैं। अगर दोस्तों इसके बाद में बात की जाए इनके प्राइस के बारे में और लॉन्च डेट के बारे में, दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं जो रियलमी X2 है ये चाइना के अंदर लॉन्च हो चुका है, और जो इनका चाइना में प्राइस है वो है यहाँ पर 1599 युआन, जिसे अगर कन्वर्ट किया जाए इंडियन रुपीज़ में, तो यहाँ पर केवल 16,000 पे ही बैठता है। जबकि दोस्तों अगर बात की जाए रेडमी नोट 8 प्रो की, तो ये भी चाइना के अंदर लॉन्च हो चुका है, और जो इसके स्टार्टिंग वेरिएंट का प्राइस है वो है यहाँ पर चाइना के अंदर 1399 युआन, जाने की अगर से इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट किया जाए तो यहाँ पर वो बैठते हैं 14,000 पे। अब दोस्तों देखा जाए कि आपको इनमें से कौन सा डिवाइस बाइक करना चाहिए, तो दोस्तों मैं आपको ये सलाह दूंगा कि आप यहाँ पर बाइक कर सकते हैं या फिर वेट कर सकते हैं रियलमी X2 का।
क्योंकि दोस्तों इसमें आपको देखने को मिलती है सुपर एमोलेड डिस्प्ले, साथ ही आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है। साथ ही दोस्तों ये आता है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 730G के साथ में, जो बहुत ही गजब की बात। साथ ही यहाँ पर आपको मिलती है 30 वाट की फास्ट चार्जिंग। तो ये सभी खास बातें रहने वाली हैं Realme X2 में। तो यहाँ पर अगर आप कोई डिवाइस बाय करना चाहते हैं तो आप Realme X2 को प्रेफर कर सकते हैं।